प्यारे विद्यार्थियों, स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। हमने अच संधि का पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया था, जिसमें हमने अच संधि में एक संधि छोड़ दी थी, प्रकृति भावाच संधि, जो आपके कोर्स में नहीं है। वैसे बेसिक रूप से पिछली वीडियो में बता दिया था कि प्रथम पद द्विवचन, दूसरा पद भी द्विवचन, दोनों एक जैसे सेम रहें, जिसमें कोई स्वभाव में, जिसके स्वभाव में या प्रकृति में कोई फेर बदल नहीं हो, ज्यों का त्यों वही होती है प्रकृति भाव अच संधि। उसके बाद हमने कल के वीडियो में, यानी पिछले वीडियो में हमने पढ़ा पर रूपर संधि, और पर रूपर संधि में चार सूत्रों के उदाहरण भी हमने पढ़े। एंगी पर रूपम पढ़ा हमने, उसके बाद अचो अंत्यादि टी पढ़ा, उसके बाद हमने सकंदु आदिशु पर रूपम वाच्यम पढ़ा, उसके बाद हमने ओमांगोश्च सूत्र पढ़ा। बहुत विस्तार से हम संधियों का अध्ययन कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप किसी भी टॉपिक में कोई एक भी टॉपिक न छोड़ पाए। ऐसा न हो कि बच्चे कह दें कि सर हमें तो ये उदाहरण नहीं करवाया। उदाहरण शायद छूट सकते हैं, लेकिन सूत्र जो हैं आपके, सूत्र छूट नहीं सकते। ठीक है, देखिए हम बात कर रहे हैं आज के टॉपिक, आज का पार्ट नंबर 11 है। आज पार्ट नंबर 11 पढ़ेंगे हम, हल संधि। कौन सी संधि? हल। हल संधि में भी मैंने 8 भेद बताए थे, 8ों का अध्ययन करेंगे। पहला भेद आ रहा है आपका सचुत्व हल संधि। सचुत्व हल संधि क्या कहती है? इसका सूत्र है इस्तो सचुना सचु। सूत्र क्या है? इस्तो सचुना सचु। सचुत्व संधि का सूत्र है इस्तो सचुना सचु, जो आपको बोर्ड पर लिखा हुआ है। जब आपने ये भली भांति, देखिए आपका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए, वरना आप सीख नहीं पाओगे। इस सूत्र से ही समझ पाओगे आप होता क्या है। देखो ये इस्तो जो लिख रहा है वो इस्तु है, इस्तु। इस्तु के बाद, इस इस्तु के बाद सचु आए, क्या आवे? सचु। तो बराबर सचु हो जाता है। इस्तु के बाद सचु आवे तो सचु हो जाता है, ये मैं कह रहा हूं। देखो इस्तु की बात, इस्तु के बाद सचु आए तो क्या हो जाता है? सचु। ये सूत्र कह रहा है। अब इस इस्तु को समझो, इस इस्तु को समझिए, सचु को समझिए, और फिर सचु को समझिए। ठीक है भाई, ये स आ रहा है आपको, ये वाला स हमने लिख लिया। तू से मतलब है तय वर्ग, तू से मतलब क्या है? तय वर्ग। फिर ये वाला स आ रहा है सचु में, और चू से मतलब है चय वर्ग। कौन सा वर्ग? चय वर्ग। और फिर इसके बाद क्या आ रहा है? स, और फिर चू से है चय वर्ग। समझ जाएंगे ऐसे, स तय वर्ग प्लस में स चय वर्ग बराबर स चय वर्ग। समझ सकते हैं? मैंने जैसे आपको समझाया वैसे ही समझिए। इस्तु से मतलब यह है, सचु से मतलब यह है, और फिर सचु से मतलब यह है। विद्यार्थियों बात करें स और तय वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तय आता है, थे आता है, दे आता है, धे आता है, और न आता है। इसके बाद ये वाला स चय वर्ग में कौन कौन से आते हैं? चय आता है, छे आता है, जे आता है, झे आता है, और ने आता है। तो क्या हो जाएंगे? ध्यान रखो, ये से, फिर चे, फिर छे, फिर जे, फिर झे, और फिर ने हो जाता है। समझ गए? अब ये होगा किसका? ये सूत्र कह रहा है कि से या ते वर्ग के बाद, से या तय वर्ग के बाद इस ये वाला स या चय वर्ग आए तो ये जो स है, ये जो स है इस वाले स में बदल जाता है। ये तय जो आता है तय चय में बदल जाता है, थे छ में बदल जाता है, दे जे में बदल जाता है, धे झे में बदल जाता है, और ने इस वाले ने में बदल जाता है। यही समझाने वाला था मैं इस सूत्र के माध्यम से। ये बदलेंगे प्रथम पद के अंत में जो होगा ना वो बदलेगा, प्रथम पद के अंत में जो होगा वो बदलेगा। समझ गए? यही चीज समझाने वाला।
समझिए, दोबारा से समझ लो। से या तय वर्ग के बाद, ये से सपेरा वाला, से या तय वर्ग के बाद से या चे वर्ग आए तो ये से इस वाले से में बदलेगा और तय वर्ग क्रम से है चे वर्ग में बदलेगा। तय वर्ग क्रम से है चे वर्ग में बदलेगा। मैंने तय वर्ग क्रम से है क्यों बताया, क्रम से तय बदलेगा चे में, देखो तय बदलेगा चे में, थे बदलेगा जे में, छे में, सॉरी तय बदलेगा चे में, थे बदलेगा छे में, दे बदलेगा जे में, दे बदलेगा छे में, जे में, और ने बदलेगा अने वाले ने में। ये देख लो, अब उदाहरण आप समझ सकते हैं। देखो प्रथम पद के अंत में से है कि नहीं है, ये वाला से है क्या, है, और फिर बाद में दूसरे पद के प्रारंभ में ये आ रहा है से, हुई ना सचुत्व संधि, तो ये से किस में बदलेगा, देखो ये से बदलेगा इस वाले से में, तो बदल दीजिए है री, अब ये से जो है इस वाले से में बदल दिया और शेते क्या बन गया, हरि शेते, ठीक है। अब रामस चुनौती, रामस में ये वाला से आ रहा है और फिर आ रहा है चे, ये वाला से और फिर आ रहा है चे, आ रहा है ना। अब तो ये वाला से जो है वो किस में बदलेगा, ये वाला से इस वाले से में, तो रा मैं ये वाला से चिनोती ऐसे बन जाए। बाद वाले वर्ण को नहीं, ध्यान रखें पहले वाला, पहले पद के अंत में जो वर्ण है ना वो चेंज करना है, पहले पद के अंत में जो है वही चेंज करना है, कहीं इसको मत कर देना चे भी हमने बदल दिया भाई। अरे चे कैसे बदलेगा, ये बदलेगा से ते थे दे धे ने, किस में बदलेगा से चे छे जे झे ने में, समझ गए। ऐसे ही देखो तय आ रहा है, ये रहा तय सत, सत में तय आ रहा है और उसके बाद छ है, तो तय कहा है ये रहा, फिर छ का है ये रहा, तो तय किस में बदलेगा चे में, तय बदल जाएगा चे में, सत छात्र है। फिर तय बदलेगा चे में, ऐसे ही तय बदलेगा किस में चे में, तो ये बन जाएगा सचित, क्या बनेगा सचित, रोको। देखिए अगला उदाहरण है उद्धन ज्वल है, ये जो दे है देखिए प्रथम पद के अंत में क्या है दे, ये रहा, ये रहा दे, अब दे के बाद क्या रहा है जय, तो ये दे किस में बदलेगा, दे बदलेगा जय में, तो दे को बदल दो जय में, ऊ जय बदल दिया, फिर लिख दीजिए ज्वल है, तो क्या बनेगा उज्ज्वल है, बन गया ना। सद धन जन है, देखो प्रथम पद के अंत में दे आ रहा है, फिर जय आ रहा है, ये दे और फिर क्या आ रहा है जय, तो दे किस में बदलेगा, अभी बताया था आपको मैंने जय में, तो सद धन जन है का होएगा सज्जन है, दे बदल दिया हमने जय में। आगे देखो सारंगीण धन जय, सारंगीण धन जय, सारंगीण के अंत में क्या आ रहा है ने, ये ने आ रहा है, देख लो ये ने है कि नहीं है, है, इसके बाद जय आ रहा है, ये जय रहा, तो ये ने किस में बदलेगा, इस वाले ने में बदलेगा ना, तो ये हो जाएगा सारंगीण जय, सा रंगीण इस वाले ने में बदल जाएगा और जय लगा दीजिए सारंगीण जय, ठीक है ऐसे बनेगा। ऐसा ही उदाहरण ये है, ये ने को बदल दो आप, शत्रु इस वाले ने में बदल जाएगा, फिर जय ये ती शत्रुंजय ती, इस तरह से। से किस में बदलेगा, से सलगम वाले से में, रामश्च बदल गया। यदि से या ते वर्ग के बाद से या चे वर्ग आए तो सलगम वाला से, जो से वर्ग है ध्यान देना, से सलगम वाले से में बदलेगा और ते वर्ग जो है वो चे वर्ग में बदल जाता है। ये उदाहरण तो हो गए आपके कौन सी संधि के बच्चों, सचुत्व हल संधि के। अब आप अगली संधि पढ़िए, इसी में दूसरा भेद है सटुत्व हल संधि। कौन सी संधि, सटुत्व हल संधि का, इससे मिलती जुलती है, भ्रमित नहीं होना है, मिलती जुलती है, ध्यान दो। देखिए
इस्तु आ रहा है, ये लीजिए इस्तु, फिर सटु आ रहा है, इस्तु के बाद क्या आवे, सटु आए, सटु आए तो क्या हो जाता है, सटु आए तो क्या हो जाता है, सटु हो जाता है, समझ गए, समझ गए। सत इस्तु से मतलब मैंने आपको ऊपर भी बता दिया, इससे मतलब मैं अभी समझाई दूंगा, समझिए। ये इस्तु से मतलब है ये से, और तू से मतलब है तय वर्ग, और सटु से मतलब है से, और तू से मतलब है तय वर्ग, और इस सटु से मतलब ये वाला से, और तू से मतलब तय वर्ग, समझ गए। अब समझो, यहां पे समझने वाली बात यह है कि ये से, अब तय वर्ग लिख लीजिए आप, तय थे दे धे ने, वर्ग उसे कहते हैं जिसमें पांच वर्ण हो। वर्ग किसे कहते हैं, जिसमें पांच वर्ण हो। अब जैसे मैं बोल दूं तय वर्ग, तो तय वर्ग में जो तय वर्ग की जो लाइन है उसमें वर्ण कितने आ रहे हैं, पांच, ते थे दे धे ने। आगे देखो, ये वाला से है और ते वर्ग टे ठे डे ढे और ने बराबर, ये वाला से फिर टे ठे डे ढे और ने, इस वाले में। अब मैं परिभाषा बता रहा हूं आपको कि से ते वर्ग के बाद, से तथा ते वर्ग के बाद से या ते वर्ग आए तो से इस वाले से में बदलेगा, और ते वर्ग क्रमशः ते वर्ग में बदल जाता है, क्रमशः ते वर्ग में बदल जाता है। ऐसी ही संधि है, लेकिन थोड़ा सा वहां पे से और ते वर्ग के बाद से और चे वर्ग था, तो से में और ते वर्ग क्रमशः चे वर्ग में बदलता है सचुत्व संधि में, और सटुत्व संधि में से ते वर्ग के बाद से और ते वर्ग आए तो से षटकोण वाले से में और ते वर्ग क्रमशः ते वर्ग में बदल जाता है। अब सुनो, ये जो से है ये किस में बदलेगा, इस वाले से में, ये ते किस में बदलेगा, टे में, ये थे किस में बदलेगा, थे में, दे किस में बदलेगा, दे में, धे किस में बदलेगा, धे बदलेगा, ढे में, और ये ने किस में बदलेगा, इस वाले ने में। अंगुलियों में भी हिसाब रख सकते हो, टे थे दे धे ने, तो टे ठे डे ढे ने, समझ गए, ते थे दे धे ने, टे ठे डे ढे ने, इस तरह से भी हम बदल सकते हैं, ते थे दे धे ने, ते ठे डे ढे ने, ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चों, आपको ये परिभाषा शायद मेरे हिसाब से समझ में आ गई, से तथा ते वर्ग के बाद षटकोण वाला से या ते वर्ग आए तो से षटकोण वाले से में बदलेगा, यानी सपेरा वाला से षटकोण वाले से में बदलेगा, और ते थे दे धे दे ने, ते थे दे धे ने क्रमशः टे ठे डे ढे ने में बदल जाते हैं। यह होती है सटुत्व हल संधि। अब बच्चों हम उदाहरण पढ़ते हैं। देखिए, रामस धन षष्ठ है, देखो इस वाले से के बाद षटकोण वाला से आ रहा है, तो ये जो से है ये षटकोण वाले से में बदलेगा, तो राम में इस वाले से में बदल गया, षष्ठ है, तो क्या बना, रामस षष्ठ है। अब ये वाला से है और उसके बाद टे वर्ग है, टे ठे डे ढे ने, टे है, तो ये रामस जो है इस वाले से में बदल जाएगा, से सपेरा वाला से इसमें बदलेगा, और टिकते रामस टिकते इस तरह बनेगा, तत धन टिका। अब ते किस में बदलेगा, ते ते में बदलेगा, सीधा पता है भाई, ते के बाद ते वर्ण आ रहा है तो ते किस में बदलेगा, ते में, और टिका लिख दो, क्या बनेगा, तट्टिका, क्या बनेगा, तट्टिका, ठीक है। मत धन टिका, अब ते के बाद ते आ रहा है तो ते किस में बदलेगा, टे में, मट्टी का, क्या बन जाएगा, मट्टी का, समझ गए। एतद धन धक्का,
एतद धन ढक्का तय के बाद तय वर्ण तय थे दे तीसरा वर्ण है तो टे ठे डे डे में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? डे में। ते ए ते ये डे में बदल गया और ढक्का ढक्का ऐसे बदलेगा। ये लीजिए भाई, बद धन ढोक से, बद धन ढोक से। अब ते थे दे धे चौथा वर्ण है तो टे ठे डे ढे ढे में बदल जाएगा। ये भी टे वर्ग का है, ये ते वर्ग का है, तो बे ढे फिर ढो के से, इसमें हलंत लग रहा है तो इसमें भी हलंत लगा देंगे, बड़ ढोक से ऐसे बन जाएगा। ठीक है। महान धन डामर है, महान धन डामर है, ये ने ते वर्ग का पंचम है तो टे वर्ग का पंचम करो, और ये देखो ये टे वर्ग का है कि नहीं, टे ठे डे डे तीसरा वर्ण है तो ने को टे वर्ग के पंचम ने में बदलो, महान बदल गया ना, ने डामर है। चक्रिन धन ढोक से, ये टे का पंचम है और ये टे का चौथा वर्ण है टे वर्ग का, तो ये पंचम वर्ण है तो टे का पंचम वर्ण करो, चक्रिन ढोक से ऐसे हो जाएगा। समझ गए? इस दंत है, इस दंत है, ध्यान दो बच्चों, यही चीज समझने वाली है। अब ये से प्रथम पद के अंत में ऐसा से आया कि देखो तो नहीं है, तो ये चेंज नहीं करना है आपको। क्या नहीं करना? चेंज नहीं करना, यही समझने वाली है। अब तय आया है, तय किस में चेंज होगा? तय में। ये चेंज नहीं करना है, ये उदाहरण जो आपको आए हैं यही समझाने वाला हूं मैं, ये चेंज नहीं करने हैं। इस दंत है तो ये ज्यो का त्यों, और जो तय है वो तय में बदल जाएगा, तो क्या बन जाएगा? इष्ट है। क्या बन जाएगा? इष्ट है। एक सूत्र आता है सात, सात सूत्र कहता है यही बातें कहता है, यदि पूर्व में षटकोल वाला से हो और अंत में तय हो तो अंतिम जो तय है वो तय वर्ग में बदल जाता है। समझने वाली बात है, इष्ट है। अब ये देखो से आया है, ये मैंने आपसे कहा सपेरा वाला से षटकोण वाले से में बदलेगा, ये तो नहीं कहा था ना कि षटकोण वाला से सपेरे वाले में बदलेगा, ये बातें बताई नहीं थी आपको। मैंने आपको कहा था कि सपेरा वाला से षटकोण वाले से में बदलेगा, अब तो षटकोण वाला से आ रहा है तो ये चेंज नहीं होगा। पेश और तय जो है तय में बदलेगा तो क्या बन जाएगा? पेष्टा। रास धंत्रम, अब देख लो इसको, से किस में बदलेगा? तय आ रहा है इसमें, से किस में बदलेगा? रा इस वाले से में, षटकोण वाले से में, और त्रम ये त्रय और ये मैं, राष्ट्रम ऐसे बनेगा। उस धन त्रह, उस त्रह ऐसे बनेगा। दोनों उदाहरणों को समझो इनको। सर आपने उस धंत्रम कैसे कर दिया, सॉरी रास धंत्रम राष्ट्रम कैसे कर दिया, तो मैं यहां पे समझा देता हूं। रास धंत्रम समझिए, दोनों उदाहरण समझने लायक है। अब इसमें सचुत्व संधि लागू हो रही है क्या? नहीं हो रही। देखो प्रथम पद के अंत में स है और दूसरे पद के प्रारंभ में तय है, तय और रह से मिलकर ही तो बनता है त्रम त्रय, ये त्रय जो है वो तय और रह से मिलकर बनता है त्रय। तो प्रथम पद के अंत में स और दूसरे पद के प्रारंभ में तय, देखो ये संधि लागू हो रही है कि इस पे? नहीं, क्योंकि से तो सही है लेकिन बाद में आना चाहिए से चे छे जे, से सलगम वाला से या चे वर्ग चे छे जे झे, नहीं नहीं है, तय है, ये भी नहीं हो रही। अब इसमें क्या है, देखो ये वाला से आया है तो ये षटकोण वाले से में बदलेगा, ये किस में बदलेगा? षटकोण वाले से में, और तय किस में बदलेगा? तय में, किस में बदलेगा? तय में, समझ गए? अब ये राष्ट्रम कैसे बना,
अब आपको बताते हैं रास धन त्रम। तो रास त्रम को तय और रे और में हलंत ऐसे बना है, त्रम ही तो है, तय और रे से मिलकर क्या बन गया त्रे। अब ये वाला से रास इस वाले से में बदल गया और ये टे रे में हलंत ऐसे ही है। अब मिला के लिखो, देखो रा षटकोण वाला से आधा, टे में हमने क्या लगा दिया हलंत, और ये रे कहाँ चला गया ये चला गया, और में हलंत क्या बन गया राष्ट्रम। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि ये दो रे कैसे हैं, एक तो हलंत है और ये रे है राष्ट्रम, समझ गए ना। ऐसा ही उदाहरण उस धन त्रय का है। देखो उस धन त्रय ये उस ज्यों का त्यों रहेगा, बदलेगा क्यों, और ये तय और रे से मिलकर बना है, तो ये उस तय की जगह क्या कर देंगे टय और ये रे। अब मिला के लिखो, उस तय में क्या लगा दिया हलंत, और ये रे कहाँ चला गया यहाँ पे, तो क्या बन गया उष्ट्र है, समझ गए। ऐसी चीज़ों को आपको बार बार नहीं समझाया जाएगा, यहीं पे समझ लिए। तो विद्यार्थियों मैंने आज दो संधियाँ करवाई, एक तो सचुत्व जिसका सूत्र है इस तो सचु ना सचु, और एक करवाई सटुत्व जिसका सूत्र है इस तो सटु ना सटु। तो मैं समझता हूँ आपने बेहतर ढंग से समझा होगा। आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।